नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट फार्मर में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम घर पर ही बिना पैसे खर्च किए नीम अर्क किस प्रकार से बना सकते हैं, इसका विधि जानेंगे। हम अगर अक्सर बाज़ार से नीम अर्क परचेस करते हैं, इसके लिए हमें 800 से 1000 रुपया खर्च करना पड़ता है। लेकिन ये जो नीम कौड़ी है, ये हमें आसानी से कहीं पर भी मिल जाती है। हमारे खेत में अक्सर बांध पर नीम के पौधे होते हैं, हम वहाँ से ये इकट्ठा करके इसका नीम अर्क बना सकते हैं। नीम अर्क बनाने के लिए हम ये नीम कौड़ी और वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि इसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाती है, मतलब इसे हम ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नीम कौड़ी के अंदर ये जो इसके अंदर जो सीड रहता है, इस नीम कौड़ी का जो सीड है, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, उसी के साथ में नाइट्रोजन होता है और एजाडिरेक्टिन भी होता है, जो कि एक नेचुरल कीटनाशक है जिससे पौधों में बहुत ही लाभ मिलता है, जिससे ऑपर्स, वाइट फ्लाइज, इस प्रकार की कीट का नियंत्रण करने में ये बहुत ही मदद देता है। अब हमने ये 5 किलो नीम कौड़ी ली है, इसके लिए हमने 10 लीटर तैयार वेस्ट डिकम्पोजर लिया है। हम जितनी नीम कौड़ी ले रहे हैं उसके 2 गुना हम तैयार वेस्ट डिकम्पोजर लेंगे। हमने ये नीम कौड़ी मिक्सर के माध्यम से इसे बारीक कर लिया है। अब हम इसे वेस्ट डिकम्पोजर के साथ मिला देंगे। वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में मिलाने से इसके अंदर के जो एजाडिरेक्टिन कीटनाशक जो गुण है वो अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट होता है। उसी के साथ इसके नीम कौड़ी के अंदर के प्रोटीन्स और नाइट्रोजन इस वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन में अच्छी तरह से मिल जाता है। अब हम ये मिश्रण अगले 20 दिनों तक इसे ढक कर रखेंगे। देखिए मिश्रण का कलर चेंज हो गया है। अगले 20 दिनों तक हम इसे जैसे समय मिलता है ऐसे लकड़ी से चलाएंगे इसे और इसे अच्छी तरह से ढक कर रख देंगे। आइए देखते हैं 20 दिन पहले हमने नीम कौड़ी और वेस्ट डिकम्पोजर मिला के जो नीम अर्क बनाने का विधि किया था वो किस प्रकार से तैयार हुआ है। देखते हैं। देखिए अभी ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसे हम अब कपड़े से अच्छी तरह से छान लेंगे। हमें अक्सर हमारे पास जो चीज़ें होती है उनका महत्व नहीं होता है, ये हमें बांध पर आसानी से मिल जाता है। लेकिन हम इसे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है उन्हें सस्ते दामों पर इकट्ठा करके दे देते हैं और वो इसका नीम प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम उनसे महंगे दामों पर खरीदते हैं इसे। नीम कौड़ी को वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में मिलाने से इसके अंदर की जो प्रोटीन, नाइट्रोजन और एजाडिरेक्टिन वो पूरी तरह से वैसी ही रह जाती है, जिससे कि हमें पौधों में उपयोग करने के बाद में
इसका काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। जबकि अगर हम बाज़ार से जो खरीदते हैं उसमें सिर्फ अजा डायरेक्ट इनका प्रमाण होता है। इस प्रकार से अगर हम बना के रखेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होता है वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल करने से। हम इसे साल भर हमें जितना चाहिए उतना एक साथ ही बना के रख सकते हैं। अब ये बचा हुआ जो भाग है हम इसे पौधों के बाजू में भी डाल सकते हैं। ये खाद के रूप में पौधों में काम करेगा। और ये जो नीम अर्क हमें मिला है इसे हम देखिए दूधिया कलर का मिश्रण तैयार हुआ है। ये आप साल भर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें साल भर का एक साथ भी बना के रखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। नीम अर्क के प्रयोग से पौधों में जो पत्ते खाने वाले कीट रहते हैं, पत्ते लपेटने वाले कीट और रस चूसने वाले कीट, इनका नियंत्रण होता है। इसका प्रयोग हम 5% का घोल बनाकर भी कर सकते हैं। 5% के घोल के लिए 5 लीटर नीम अर्क, 45 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र सॉल्यूशन और 50 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। अगर इसके 5% घोल के इस्तेमाल से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है तो हम इसका प्रमाण बढ़ाकर 10%, 15%, 20% तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 20% के लिए 20 लीटर नीम अर्क लेना है, 30 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र सॉल्यूशन और 50 लीटर पानी का प्रयोग करना है और इसका मिश्रण करके पौधों पर छिड़काव करना है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अपने किसान भाइयों के साथ में इसे शेयर कीजिए ताकि नए नए वीडियो हम बना सकें। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।